बद्रीनाथ यात्रा को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ी इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर दिन कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। बारिश और ठंड के बीच भी लोग लाइनों में लगकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कल भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी यहां पहुंचे थे और आज लोकसभा सांसद साक्षी महाराज भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की भारी संख्या से इस बार पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। जहां 2017, 18 और 19 में एक महीने के अंदर सिर्फ 4 से 5 लाख तीर्थयात्री ही बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचते थे, तो वहीं 2 साल के बाद शुरू हुई इस यात्रा में इस बार एक महीने के अंदर 6,50,000 तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। अभी तक जो यात्रा का जो हुआ है, लगभग 6.5 लाख से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ आ चुके हैं और सभी जो यात्री आ रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए, सभी को बढ़िया अच्छे दर्शन ढंग से दर्शन हो रहे हैं। सभी लोग खुश होकर यहाँ से भगवान के दरबार से जा रहे हैं। भगवान बद्री विशाल सबकी मनोकामना पूर्ण करेगा और जो यात्रा व्यवस्था है सब चाक चौबंद है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छी यात्रा व्यवस्था रहेगी। सिर्फ यही है कि लोग अपना जरा थोड़ा धैर्य रखेंगे और भगवान के दर्शन अवश्य सबको धीरे धीरे सबको रोज आना होते जा रहे हैं।